अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम आलू मेथी बनाने लगे हैं। आलू मेथी के लिए मैंने 1.5 किलो मेथी ली है और 1 किलो आलू। चलें अब जल्दी से हम इसको धोकर तो काट लेते हैं। जी फ्रेंड्स, ये देखें हम मेथी बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने मेथी अच्छी तरह धोकर काट कर रख ली है। आलू भी मैंने छिलके काट के रख लिए हैं। ये मैंने एक दरमियानी साइज़ का जो है प्याज लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट है ये छोटी कौली में, तकरीबन 6 से 7 चम्मच दही की है, 2 टमाटर मैंने काटे थे और ये हाफ कौली जो है ऑयल है, ठीक है, 4 हरी मिर्चें। चले अब हम अपनी आलू मेथी पकाना स्टार्ट करते हैं। जी हमने चूल्हे के ऊपर रख दी थी पतीली गर्म होने के लिए, उसके अंदर ऑयल डालते हैं। जी फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। जी फ्रेंड्स, हमने प्याज सिर्फ लाइट ब्राउन करना है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम सब्ज़ी बना रहे हैं। अगर प्याज हमारा ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो उससे क्या होता है, हमारी सब्ज़ी का जो कलर होता है ना वो डल हो जाता है। सो ये जो भी मैं बता रही होती हूँ बड़े पॉइंट्स आएंगे, एक बार आप नोट किया करें। जी ये देखिए हमारे प्याज का कलर चेंज होने लग गया। ये देखिए इसका कलर देखिए, जब ऐसा कलर हो जाए फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। जी ये देखिए हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट भी लाइट ब्राउनिश हो गया है, हम इसमें टमाटर डालेंगे। जी फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, ठीक है। जी मैं तो इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, मगर आपकी मर्ज़ी है कि आपने कितना नमक डालना है, वो आपके टेस्ट के मुताबिक है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें डाल दूँ लाल मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। जी अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद अब हम डालेंगे हल्दी। जी 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला था, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली, मिक्स कर लेंगे। जी अब मैं इसके अंदर डालने लगी दही। जी जैसे ही हमारा लाइट लाइट सा ये ऑयल ऊपर आ जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे अपने आलू।
जी ये जो हमने यहाँ पे आलू देखेंगे काट के रखे हैं ये हम बीच में ऐड कर देंगे जी। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू इसलिए पहले डालें हम क्योंकि इससे क्या होता है कि आलू का कलर अच्छा आ जाता है हल्दी का ना जी। आलू डालने के बाद हम हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। आलू डालने के बाद ही हम अब इसमें डाल देंगे अपनी मेथी क्योंकि हमें मेथी को भी भूनना होता है। मेथी वरना हल्की हल्की कड़वी कड़वी सी होती है इसलिए उसको हम ज़्यादा भुना भुनाई करते हैं जी। हम डाल रहे हैं मेथी एक हाथ से करना बहुत मुश्किल है। प्लीज़ आप सब ज़रूर वीडियो देखिए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ एक हाथ से मैं वीडियो बना रही होती हूँ और एक हाथ से मैं खाना पका रही होती हूँ। सो बहुत डिफ़िकल्टी होती है इसीलिए प्लीज़ सब इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब भी कीजिएगा जी। फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर सब मिर्ची डाल देंगे ठीक है। अब हम इसे मिक्स करेंगे मिक्स करके इसको ढांक के रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे ठीक है क्योंकि हम सब्ज़ी ज़्यादातर हमेशा हल्की आंच पे ही पकी जाती है। जी फ्रेंड्स हमने देखिए रख दिया अब हम मिलते हैं 5 से 6 मिनट के बाद जी। फ्रेंड्स ये देखिए इसका कलर चेंज होने लग गया इसको भी हम और पकाएंगे जब तक हम अच्छी तरह पानी और आलू ना गल जाए इसे हम इतनी देर तक पकाएंगे जी। फ्रेंड्स ये देखिए अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला डाला इसे हम मिक्स कर लेंगे हम इसे फिर डांप के रख देंगे इसे 5 से 6 मिनट के लिए और जब तक हमारे आलू ना गल जाएं। जी फ्रेंड्स इसके अंदर मैं डालने रखी हूँ थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा पानी ताकि हमारे जल्दी से आलू गल जाएं जी। अब हम इसे भाप के रख देंगे जी। फ्रेंड्स अब हम अपनी देख लेते हैं आलू में कि कितनी इसके आलू जो हैं कितने गल गए हैं जी। हम आलू चेक करते हैं अभी भी हल्के हल्के से लाइट से कच्चे हैं इसे हम और 5 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे ताकि अच्छी तरह हमारे आलू गल जाएं जी। फ्रेंड्स ये आलू मेथी तैयार है इसे हम बाउल में निकालते हैं जी। बिस्मिल्लाह रहमान अपना सालन बाउल में डालकर फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं जी। फ्रेंड्स ये देखें इसका फाइनल लुक आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।